भारत का चंद्रयान 2 तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है और 7 सितंबर को चांद पर लैंड कर जाएगा। चंद्रयान 2 ने 21 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद की दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है, जिसके बाद चंद्रयान 2 ने लूनर सतह से लगभग 2650 किमी की ऊंचाई से तस्वीर ली है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 सफल रहा तो भारत को क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं। इसरो का कहना है कि अगर ये मिशन सफल होता है तो चंद्रमा के बारे में समझ बढ़ेगी और ये भारत के साथ पूरी मानवता के हक में होगा। भारत ने इससे पहले चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया था। यह भी चांद पर पानी की खोज में निकला था। अंतरिक्ष विज्ञान पर किताब लिखने वाले मार्क विटिंगटन ने एक बातचीत में कहा, भारत ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और इससे वो अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा। भारत को यह एहसास है कि अंतरिक्ष में कई कार्यक्रमों को अब बढ़ाने का वक्त आ गया है। चंद्रयान 2 सफल रहा तो भारत को क्या मिलेगा? कोई यह पूछ सकता है कि जोखिम होने पर भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ही चंद्रयान क्यों उतारा जा रहा है और चांद में खोज के लिए जाने वाले मिशन के लिए ये ध्रुव महत्वपूर्ण क्यों बन गए हैं? दरअसल चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अभी तक जांच नहीं की गई। यहाँ कुछ नया मिलने की संभावना है। इस इलाके का अधिकतर हिस्सा छाया में रहता है और सूरज की किरणें ना पड़ने से यहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती है। वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी और खनिज होने की संभावना हो सकती है। हाल में किए गए कुछ ऑर्बिट मिशन में भी इसकी पुष्टि हुई है। पानी की मौजूदगी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भविष्य में इंसान की उपस्थिति के लिए फायदेमंद हो सकती है। यहाँ की सतह की जांच ग्रह के निर्माण को और गहराई से समझने में भी मदद कर सकती है। साथ ही भविष्य के मिशनों के लिए संसाधन के रूप में इसके इस्तेमाल की क्षमता का पता चल सकता है। अगर चंद्रयान 2 सफल रहा तो भारत एक बार दुनिया में सबसे पहले ये खोज करके इतिहास के पन्नों में नाम दाखिल कर देगा। साथ ही भारत अपनी अंतरिक्ष शक्ति दुनिया को दिखा पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।